नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हरिद्वार में 16 मई से लापता युवक के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ कोतवाली ज्वालापुर का घेराव करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि लापता हुए युवक के पिता सुरेंद्र ने गांव के ही 5 युवकों पर अपने बेटे को जान से मारने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही परिजनों ने पुलिस पर कार्यवाही ना करने का भी आरोप लगाया है, जिसको लेकर कोतवाली में आए परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी जमकर हंगामा किया। जानकारी के मुताबिक 16 मई को गणमीरपुर के 5 युवाओं के साथ लापता युवक नदी में नहाने के लिए आया था, जिसमें पुलिस को युवक के डूब जाने की सूचना मिली थी। तब से लेकर अब तक युवक का कोई पता नहीं चल सका। वहीं लापता युवक के पिता ने गांव के ही 5 युवाओं पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर CO सिटी शेखर सुयाल ने बताया कि मामले में पुलिस की टीम गठित कर दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। साथ ही आरोपी युवाओं के मोबाइल की लोकेशन भी निकाली जा रही है, जिसके बाद जल्द ही लापता युवक के विषय में पुख्ता जानकारी मिल जाएगी, जिसके आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम था लड़के? मनीष। क्या कैसे लड़के? क्या कैसे? लड़के को मार दिया गया। कैसे मारेगा? आपको कैसे पता लगा कि लड़का मर गया? मैं बताता हूँ आपको। लड़के को घर से बुलवाया गया, किस लिए? किचन नहाने चले हैं, ठीक है जी। लड़के ने मना किया, उसने कहा भाई मैं नहा लिया हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। उसके बाद अगर नहीं कुछ नहीं है, चल नहाना हमारे साथ चल। साहब से मैंने पूछा, एक बच्चे की मिसिंग जो गाजीपुर थाना क्षेत्र में कहीं रहता है, तो उसके साथ जो और लोग थे, जब भी फैक्ट आए कि उनका ये कहना था कि वो कहीं नहाते समय बह गया। अभी ये कही हुई बातें हैं, इसको तस्दीक करने के लिए हम एक टीम बना रहे हैं। टीम बना करके जो जो चीज़ें अभी हमारे सामने आई हैं उनको क्रॉस चेक करने के लिए हम कोशिश है कि शाम तक कुछ ना कुछ इसमें एक्चुअल चीज़ की वो कितने बजे आए, कहाँ पर तक, उसकी लोकेशन देखी गई, ये सब चीज़ कर रहे हैं। जैसी चीज़ें क्लियर होंगी हम आपको अपडेट।